अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी तड़का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, फ्राइज़। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। इस रेसिपी को जानने के लिए एंड तक वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो व्यूवर्स, पोटैटो फ्राइज़ तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 2 अदद बड़े आलू ले लिए। इनको अच्छी तरह आपने छील कर बिल्कुल इसी तरीके से काट लेना है। साथ में ही आप बिल्कुल ठंडा यक पानी ले लें और उनमें इसे ऐड कर, इनको पानी में डालकर 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा। व्यूवर्स, 20 मिनट हमारे पास यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल कर दूसरी साइड पर रख लेंगे, पानी से बिल्कुल अलग कर लेंगे और इनको अच्छी तरह आप ड्राई कर लीजिएगा, इनको गीला ना छोड़िएगा। व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो यहाँ पे आलू हमने काट कर रखे थे और उनको ड्राई किया था, वो बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिल्कुल 1/2 टीस्पून नमक, ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्राइज़ को नमक लगाने के बाद अब हम यहाँ पे पैन में ले लेंगे घी। आप ज़रूरत के मुताबिक घी इसे ऐड कर दीजिएगा, चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। हमें इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। व्यूवर्स, घी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। पहले हमने इसको हाई फ्लेम पे गर्म किया था, अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे व्यूवर्स, आप बिल्कुल इसी तरीके से इनकी साइज बदलते रहिएगा और आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है। बच्चों को दें लंच में और इनको रात को डिनर में बना के दें, जैसे वो चाहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।